वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन पर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलल लाइन के डेफिनेशन को समझ चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस, इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड, देन सच लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल लाइंस। मीन्स क्या हो रहा है इसमें, अगर दो लाइन रहेगा, ठीक है, सेम प्लेस पर लाई है, और दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल लाइंस कहलाता है। जैसे रेलवे ट्रैक देखे होंगे आप, तो रेलवे ट्रैक होता है जो लाइंस होता है उसमें पटरी जो होता है वो क्या रहता है, दोनों के बीच में हमेशा क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है, तो वो सब क्या है, पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो लाइन है, ये एल है और ये एम है, देखते हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा दोनों, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कहीं भी देखेंगे तो एक ही डिस्टेंस रहेगा, तो ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, यानी एल पैरेलल टू एम, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल को देखते हैं पहले। अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या हो गया, जो एक स्ट्रेट लाइन, एक टी जैसे है, टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा लाइन को जो कट करेगा उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। जैसे ये लाइन एल है और ये लाइन एम, इसको ये क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल कोई जरूरी नहीं कि केवल पैरेलल लाइन को ही करेगा, ये किसी भी तरह का हो सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है, तो यहाँ पैरेलल लाइन दिखाए हैं, तो ये क्या हो गया, ये टी जो उसको क्रॉस कर रहा दो लाइन को, तो वो क्या हो गया, टी ट्रांसवर्सल हो गया, टी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स एल एंड एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स, ठीक है, यानी ये दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करता है तो एंगल जो बनता है, देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितना एंगल्स बन जा रहा है, 8 एंगल्स बन रहा है ना, तो इसमें से मेरे पास एंगल्स किस तरह का एंगल्स होगा, 1 को क्या कर सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, ये सब में रिलेशन क्या है उसको देखेंगे। ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स है, ए बी और सी डी क्या है, दो लाइन्स है, और ट्रांसवर्सल टी इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स एक साइड में जो हो गया, ये 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, एक ही साइड में, जैसे ये डायरेक्शन ये है ऊपर तो ये भी ऊपर है, उसी तरह से ये 4 जो है, ये 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ये, उसी तरह से 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट मतलब क्या होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस तरह से, इस तरह से ये जो हो गया तुम्हारे पास ये, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीरियर का देना है तो अंदर का ही लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जेड क्रॉस बन रहा है, तो ये क्या हो गया, 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 5, इसका ये पेयर हो गया, और 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6, ये इंटीरियर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेयर ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो अंदर में कंजुकेटिव इंटीरियर का मतलब क्या हो गया, इस तरह से क्रॉस कर रहा है, तो एक साइड का जो इंटीरियर एंगल्स होता है उसको कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 और ये 5, देखो ये लाइन से ये क्या हो गया, 4 और 5 क्या एक ही साइड में है और अंदर में है, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर 4 और 5, और इधर से है मेरे पास 3 और 6 है, पेयर ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर, ये भी हो गया, तो ये सब पेयर बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, और ये पेयर ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, उसी को हम लोग एलाइड एंगल्स या फिर कोजॉइंट एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या है, ठीक है। इफ और ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो क्या होता है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। और उसी का कन्वर्स देखते हैं, इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, अगर दो एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइंस को कट करता है और बनाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है, देन लाइंस आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी हम समझ चुके हैं, फिर से हम देखते हैं यहाँ पर
कहने फर्स्ट को पहले समझते हैं। फर्स्ट में क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइन को मान लेते हैं ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, ठीक है, ये ए बी और सी डी को हम पैरेलल मान लिए फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जा रहा है ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये वन का कॉरस्पॉन्डिंग फाइव, यानी वन इक्वल टू हो जाएगा फाइव। अगर वन 20 डिग्री है तो 5 भी 20 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 8, तो 4 अगर 20 है तो 8 भी 20 हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। अब ये 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 6, मीन्स अगर 2 अगर 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 7, अगर 3 अगर 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये सब क्या हो गया, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये जो आ गया मेरे पास, ये ट्रांसवर्सल कट कर दे रहा है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वन का कॉरस्पॉन्डिंग फाइव है तो ये दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, फोर का एट है तो ये दोनों का एंगल सेम इक्वल हो जाएगा, टू का सिक्स है तो टू और सिक्स का एंगल क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा, थ्री का सेवन है तो थ्री और सेवन का एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट केस। अब इसका कन्वर्सली क्या है, कन्वर्सली है इसका कन्वर्स जो है, इफ ट्रांसवर्सल टी कट्स टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, अगर ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी को कट्स कर रहा है सच देट क्या है एंगल वन इक्वल टू फाइव, है ना। तो ये मेरे पास गिवेन है एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, फोर इक्वल टू एट और फिर टू इक्वल टू सिक्स, थ्री इक्वल टू सेवन, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाता है ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाता है। इसका प्रूफ्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप इस तरह से समझ गए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पैरेलल लाइन के केस पर आप समझ गए होंगे, अगर पैरेलल लाइन रहेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लाइन्स पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रूफ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।